चर्चा सीएम योगी की, जो आज विंध्याचल के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी आज मिर्जापुर पहुंचकर मां विंध्यवासिनी की दर्शन पूजन करेंगे, साथ ही साथ वो निर्माणाधीन विंध्य कॉरिडोर का भी निरीक्षण करेंगे। विंध्याचल धाम को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट में विंध्य कॉरिडोर भी शामिल है। सीएम आज मिर्जापुर में विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, मुख्यमंत्री विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, जिसको लेकर बैठक भी होनी है। मिर्जापुर दौरे पर हैं योगी आदित्यनाथ, ये बड़ी जानकारी। मिर्जापुर के दौरे पर विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे, बैठकें भी लेंगे। मां विंध्यवासिनी के सबसे पहले दर्शन पूजन करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। और अब बात करते हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव आज सपा कार्यालय पर अहम बैठक करने जा रहे हैं। 28 और 29 सितंबर को रमाबाई अंबेडकर नगर मैदान से समाजवादी पार्टी का राज्य सम्मेलन होगा, जिसकी तैयारियों को लेकर अखिलेश यादव आज पार्टी कार्यालय पर बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे पार्टी कार्यालय पर यह बैठक होगी। इस बैठक में पार्टी के विधायक और दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। तो सपा के राज्य सम्मेलन पर बैठक होगी, बड़ी बैठक समाजवादी पार्टी करने जा रही है, और इस बैठक में तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक 28 और 29 तारीख को होनी है। बैठक में समाजवादी पार्टी के विधायक होंगे। 28 सितंबर से समाजवादी पार्टी का सम्मेलन शुरू होगा। रमाबाई अंबेडकर नगर मैदान में दिग्गज जुटेंगे, जिससे पहले आज अखिलेश यादव बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। जानकारी यह भी है कि अधिवेशन में मुलायम सिंह यादव भी शामिल होंगे। 29 सितंबर को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है, उससे पहले अखिलेश यादव आज बड़ी बैठक लेंगे। और अब बात ओम प्रकाश राजभर की भीष्म प्रतिज्ञा की। सावधान यात्रा शुरू करने से पहले ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी को खत्म करने की कसम खाई। यह ऐलान ओम प्रकाश राजभर ने उसी मऊ की धरती से किया, जहां से कभी राजभर ने सपा के साथ मिलकर सूबे की योगी सरकार को ललकारा था। लेकिन अब राजभर के सामने सपा को खत्म करने से बड़ी चुनौती पार्टी में मची टूट को खत्म कर देती है, जो रुकने का नाम नहीं ले रही। देखिए, कार्यकर्ताओं को राजभर का संदेश, निशाने पर अखिलेश। अब बीजेपी और सपा कोई पार्टी बची है तो हमारे निशाने पर इस बार सपा है। राजभर की सौगंध, सपा को खत्म करने का प्रण। समाजवादी पार्टी के नेता को अहंकार हो गया है, समाजवादी पार्टी के नेता को अहंकार हो गया है। सुभाषपा में मची टूट और थोक के भाव में हो रहे इस्तीफों ने ओपी राजभर को इतना बेचैन कर दिया है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को खत्म करने की सौगंध खा ली है। काफी ज्यादा आपने आज अखिलेश यादव पे हमला भी किया है, कहा है कि हमारी लड़ाई सीधे अब समाजवादी पार्टी से है, ये क्या क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए अपने, वो उनका है कि हम दूसरे को बर्बाद करने के लिए हम खुद बर्बाद हो जाएं। जी जी, चलेगा, लेकिन दूसरे को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। नाई गुण पाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला राजभर चौहान आरा कर्कवंशी बंजारा बहलिया खंगार जुल्हा धुनी अंसारी साई दर्जी फकीर, ये जो अति पिछड़े अति दलित जातियां हैं, इन जातियों को हिस्से के लिए लड़ रहे हैं। सुभाषपा में मची भागम भाग के लिए राजभर पहले दिन से ही अखिलेश यादव को जिम्मेदार बता रहे हैं, जिन्हें लगता है कि अब तक उनकी पार्टी में जो भी हुआ उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जिम्मेदार है। और अब राजभर बदले की आग में इस कदर जल रहे हैं कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो सपा को अगर 47 से 125 के आंकड़े तक पहुंचा सकते हैं तो फिर से उसे 47 पर ही ला सकते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता को अहंकार हो गया है, समाजवादी पार्टी के नेता को अहंकार हो गया है। आप बढ़िया से पंगा ले लिया है प्रकाश राजभर से। अगर 47 से 125 पहुंचा सकता हूं तो 125 से फिर 45 पर लाके खड़ा। ये तमाम बातें ओपी राजभर ने 26 सितंबर से होने जा रही सावधान यात्रा को लेकर हुई बैठक के दौरान की। लेकिन बड़ा सवाल यह है
कि क्या ओपी राजभर को ये हौसला भाजपा से मिला है, क्योंकि जब से राजभर सीएम योगी से मिलकर आए हैं तभी से वो न सिर्फ सपा पर हमलावर हैं बल्कि उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या राजभर अखिलेश को चुनौती दे पाएंगे, क्योंकि सपा से पहले उन्हें अपनी पार्टी में बगावत के चक्रव्यूह को भेदना होगा। न तो सुभाषपा में भागम भाग खत्म हो रही है और न ही बगावत कर नई पार्टी बनाने वालों की लिस्ट। वहीं हर रोज जारी हो रहे पोस्टर भी राजभर के लिए नया सिरदर्द बन गए हैं, जिसकी गवाही दे रहा है दीवारों पर लगा ये पोस्टर, जिसमें साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, ओम प्रकाश राजभर का बस्ती में आना मना है। इससे पहले एक पोस्टर सुभाषपा से अलग हुए शशि प्रताप सिंह ने भी जारी किया था, जिसमें ओपी राजभर को ठग बताया था। इस पोस्टर के माध्यम से पूरी प्रदेश को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई नेता अभी तक पैदा नहीं हुआ जिसने समाज को ठगने का काम किया, क्योंकि उनकी नीयत और नीति दोनों खराब है, इसीलिए उनकी किला आज बुरी तरह ढह रही है। अब राजभर के सामने दो टारगेट हैं, पहला पार्टी में मची टूट को खत्म करना और दूसरा समाजवादी पार्टी को खत्म करना, जिसकी कसम खुद राजभर ने खाई है। अब राजभर पहले किसे खत्म करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।